الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه وسلم 5 ستمبر 2024 अडियाला जेल सेबार से फिर आपसे मुखातिब हैं। एक और दिन गुजरा, इमरान खान साहब का अलकादर केस, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही है। बीबी साहिबा बुशरा बीबी का जो केस है उसमें भी आज हमें तवक्को थी कि फैसला आएगा और उनकी इस झूठे केस से उनकी जान छूटेगी, लेकिन फिर एक तारीख पड़ गई है। इंशाल्लाह हम हौसला नहीं हारेंगे। इमरान खान साहब के वकला पुरुमीद हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि जिस तरह हर एक केस में, एक एक केस में इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, और ये जेल में जाना, ये तकलीफ का सहना, इससे इज्जत कम नहीं होती, इससे इज्जत बढ़ती है। शर्म की बात तो तब हो जब आप किसी मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलव्वस हों, या करप्शन में मुलव्वस हों, या अखलाकी जराइम में आपको जेल हो। मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपने दीन के लिए, अपने उसूलों के लिए तो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला इम्तिहान के लिए चुनता है। ये इम्तिहान है इमरान खान पे, ये इम्तिहान है इस पूरी कौम पे, लेकिन अल्लाह की मदद से इस इम्तिहान से हम निकलेंगे। जिस तरह साइफर केस से इमरान खान साहब को अल्लाह ने इज्जत दी, केस ख़त्म हुआ, जिस तरह तोशाखाना के केस से अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को इज्जत दी और वो केस ख़त्म हुआ, और साथ ही साथ इद्दत का एक बहुत ही फजूल किस्म का और काबिल एतराज़ केस, जो इखलाक से गिरा हुआ केस उन्होंने बनाया था इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ख़िलाफ़, वो केस भी ख़त्म हो गया। तो कितने केस करेंगे? जितने केस करेंगे उसमें अल्लाह ताला हक की जीत देगा, लेकिन हक की जीत आने में थोड़ा सा वक्त होता है। अल्लाह की एक सुन्नत है, हम तो अंबिया कराम के पैरों की खाक भी नहीं है, लेकिन इम्तिहानात तो अंबिया कराम पे भी आए हैं, बड़े बड़े लोगों पे आए हैं, तो इम्तिहान के बगैर कामयाबी नहीं है। लेकिन अल्लाह खुद कहते हैं कि हर तकलीफ के साथ आसानी है, फ़इन्नमा अल उसरा, हर तकलीफ के साथ आसानी है। ये मुल्क कोई हमें आसानी से मिल गया था? इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी, इसको बचाने के लिए रोज़ कुर्बानियाँ नहीं दे रहे, बेशुमार शहादतें नहीं हो रही, तो हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। 8 सितंबर को जो हमारा जलसा है उसके बारे में इमरान खान साहब पूछ रहे हैं, वो उसके बारे में पुरुमीद है इंशाल्लाह कि 22 अगस्त को जो जलसा हमने हुकूमत के और ज़िम्मेदार जो भी हल्के हैं, जब हमारी लीडरशिप से रबता हुआ और उनको रिक्वेस्ट की गई कि मुल्क में इससे सिक्योरिटी के मसाइल बन सकते हैं, तो इमरान खान साहब ने एक लीडर होने का सबूत दिया, और बावजूद इसके कि उनको ख़ुद इसका दुख था और हम जैसे लोग और बेशुमार कारकुनान, उनको इसका एक जज्बाती सदमा पहुँचा कि हमारा जलसा मौखर हुआ, लेकिन इमरान खान साहब ने मुल्क की खातिर ये मुश्किल कदम उठाया, दिल पे पत्थर रख के। लेकिन अब हम तवक्को रखते हैं कि जिस गुड जेस्चर में इमरान खान साहब ने बड़े दिल का सबूत दिया था और 22 अगस्त का जलसा मौखर किया था ताकि कोई अमन अमान का मसला ना हो, क्योंकि ख़त्म नबूवत के मसले पे हमारी मजहबी बरादरी आई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के बाहर थे, तो अब जो एक कमिटमेंट हुई है हमसे, जो NOC हमें मिला है, हम पुरुमीद हैं, तवक्को करते हैं कि इस जलसे में रखना नहीं डाला जाएगा, इसमें रोड़े नहीं अटकाए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद हम कहना चाहते हैं कि जलसा इंशाल्लाह होगा और पुरमन होगा, और इमरान खान साहब को बताएंगे कि आप जब जेल में थे तो आपने जो ट्रेनिंग अपने कारकुनान को दी है, अपने वोटर वर्कर सपोर्टर को दी है, वो किसी ओहदे की लालच में नहीं, वो किसी वजारत MNA MPA शिप के लालच में नहीं, क्योंकि MNA MPA तो चंद लोग बनते हैं, ये जो करोड़ों वोटर वर्कर वोटर सपोर्टर हैं, ये तो सिर्फ पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और इसलिए इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। वो साबित करेंगे, बताएंगे कि खान साहब आप जब हमारे दरमियान होते थे, और जल्द इंशाल्लाह दोबारा होंगे, लेकिन आप जब हमारे दरमियान होते थे और आपके गिर्द हम लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते थे, आज आप
नहीं है इस वक्त हमारे बीच में, जेल में है। हम इंशाल्लाह आपको साबित करेंगे कि आप पीछे कोई डरपोक या बेगैरत लोग नहीं छोड़ के गए थे। इंशाल्लाह बेहतरीन जलसा होगा और हमने साबित किया है। एक महीना पहले तकरीबन जो सवाबी में जलसा हुआ है, आपने वो लाइनें देखी होंगी कि सवाबी जलसा सवाबी में था और गाड़ियां यहां पे इस्लामाबाद से बाहर मोटरवे पे यहां से ब्लॉक होना शुरू हुई थी। मीलों लोग पैदल गए थे और एहतियातन हमारी जमात ने इंसाफ लायर फोरम जो हमारे वकला हैं उनके ज़रिए हमने डायरेक्शन दी है कि पूरे पंजाब में सेशन अदालतों में पिटिशन हमारे वकला करेंगे, बल्कि अभी तक हो चुकी होंगी कि जिस जिस ज़िले से हमारा वर्कर आएगा, वोटर आएगा, सपोर्टर आएगा, गाड़ियों में आएगा, वो कोई फ्लाइंग कोच में बैठ के आएगा, कोई इसको ना रोके क्योंकि ये पीसफुल एक्टिविटी है। एनओसी हमारे पास मौजूद है और इस मुल्क में आईन मौजूद है और जमहूरी अमल होना, जलसे पे जाना ये उनका आईनी हक है। तो मैं कारकुनान को पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आईनी प्रोटेक्शन कवर आपको हासिल है। आपके वो कड़ा अदालतों में जा चुके हैं और वहाँ से हुक्म लेके आएंगे कि कोई हमारे पुरमन काफिलों को नहीं रोकेगा। इंशाल्लाह एक पुरमन जलसा होगा, वहाँ पाकिस्तान की बात होगी। इमरान खान साहब ने जलसे के लिए हिदायत भी दी हैं कि जलसे में आपने पाकिस्तान की बात करनी है, जलसे में आइन की हुक्मरानी की बात करनी है, एक हकीकी आज़ादी की बात करनी है और एक आज़ाद मजबूत अदलिया की बात करनी है। तो आप मुझे बताएं इसमें ज़ाती बात किधर है, इसमें तहरीक इंसाफ किधर है, इसमें सिर्फ इमरान खान किधर है? ये तो पाकिस्तान है, ये तो पाकिस्तान की बात है। आइन की हुक्मरानी होगी तो पीपल पार्टी वाला, नून लीग वाला, हर जमात के शख्स को इंसाफ तो सबको चाहिए ना, रोजगार तो सबको चाहिए ना, अमनो अमान तो सबको चाहिए ना। तो आज आप आखिरी सवाल छोड़े जाता हूँ, मैं यहाँ लंबी बात नहीं करता, मैं यहाँ एक एक राहगीर की तरह के सदा लगा के चला जाता हूँ अडियाला के बाहर कौम के जमीर को झंझोड़ने के लिए। क्या फैसला कीजिए? पहले तो कौम को सलाम है कि आपने 8 फरवरी को आके जो पुरमन इनकलाब लेके आए, लोगों का ख्याल था कि तहरीक इंसाफ डर गई है, हमने इंतखाबी निशान छीन लिया, हमने बल्ला छीन लिया, लीडर को जेल में डाल दिया, कौन निकलेगा, कौन वोट डालेगा? कौम ने साबित किया कि ये जिंदा दिलान का कौम की कौम है, ये जिंदा लोगों की कौम है, ये मुर्दा जमीर लोगों की कौम नहीं है। कल 6 सितंबर है ना, कल 6 सितंबर है, 6 सितंबर का पैगाम क्या था कि जब भी दुश्मन ने पाकिस्तान पे मैली आंख से नजर डाली, पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई। 65 की जंग में सिर्फ पाक फौज नहीं लड़ी थी, पूरी कौम लड़ी थी, पूरी कौम साथ खड़ी थी और ये वही कौम है। उस कौम ने दिखा दिया कि ये कौम 47 में मुल्क भी ले सकती है, 6 सितंबर 1965 को मुल्क का दिफा भी करा सकती है और कर सकती है, और 8 फरवरी को एक पुरमन इंकलाब भी ला सकती है। लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह मौजूद है कि इमरान खान तो 2.5 साल से हुकूमत से बाहर है, आप कहते थे महंगाई कंट्रोल करेंगे, क्या हुई कंट्रोल हुई? आप कहते थे रोजगार लाएंगे, क्या ले आए? मौजूदा रोजगार लोगों से छीन लिया। आप यूटिलिटी स्टोर्स वालों को देख लें, आप PWD वालों को देख लें, सारे निकले हुए एहतजाज कर रहे हैं। आप कहते थे हम नौमान लेके आएंगे, आज बलूचिस्तान की सूरत हाल देख लें। आप सरदार मेंगल जैसे बड़े लीडर इस्तीफे दे रहे हैं और आज वो कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई, इमरान खान हक पे था। मेंगल साहब का इस्तीफा एक शख्स का इस्तीफा नहीं है, इसको संजीदा लें। ये बलूचिस्तान की तरफ से आपकी सियासत पे अदम एतमाद है, खुदारा बलूचिस्तान की सूरत हाल पे नजर डालें। आज इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए ये बात की है कि खुदारा बलूचिस्तान की सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास कीजिए। सरदार अतल्ला मेंगल साहब या और जितने भी वहाँ हमारे बलोच रहनुमा हैं, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको सीने से लगाइए, आप उनके दुख दर्द को समझिए, उसके बाद इंशाल्लाह ये मुल्क दोबारा शीर व शक्कर होगा। और आखिरी बात, दोबारा इंशाल्लाह इमरान खान साहब पुरमन हैं और वो पुरुमीद हैं और वो इस्तेकामत से भरपूर हैं, लेकिन जो केस उन पर ये इस वक्त अलकादर का चल रहा है, आपको पेशगी मैं बता दूं कि इस वक्त प्रोसिक्यूशन ने इस्तगासा, कल भी मैंने अडियाला में ये बात की थी, आज दोबारा कर रहा हूं कि इस्तगासा अपना केस छोड़ चुकी है। ये मीडिया वाले आपको बताएंगे कि अंदर क्या हो रहा है। इमरान खान साहब पे ये केस अब वो परसों ही नहीं कर रहे कि इमरान खान साहब ने खुदा ना खास्ता या उनकी वाइफ ने, उनकी अहलिया ने कोई उससे ग्रेटिफिकेशन लिया, कोई पैसा लिया, ये केस ही अब वो नहीं परसू कर रहे, ये केस भी परसू नहीं कर रहे। आखिरी बात, ये केस भी परसू नहीं कर रहे,
कि अल-कादर ट्रस्ट का ट्रस्ट गलत बना है, बल्कि अब उनका केस क्या रह गया है कि एक वजीर आजम ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए यूनिवर्सिटी बना दी। तो क्या पाकिस्तान के बच्चों को मुफ्त तालीम देना गुनाह है? क्या ये सजा है? सजा देनी है तो उनको दें जिनके असासे 100 गुना बढ़ गए। सजा देनी है तो उनको दें जिन्होंने 1 से 10 फैक्ट्रियां बना दी। सजा देनी है तो एवन फील्ड वालों को दें, स्विस अकाउंट्स वालों को दें, सरे महल वालों को दें। आपने एक मलंग वजीर आजम को इस बात पे पकड़ा कि उसने अपने मुल्क के गरीब बच्चों को अल-कादर यूनिवर्सिटी क्यों दी। इंशाल्लाह ऐसी यूनिवर्सिटियाँ हम और भी बहुत ज़्यादा देंगे जब इमरान खान साहब दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे और इंशाल्लाह बनेंगे। मैं आखिर में एक बार फिर इस बात का इरादा करता हूँ, कौम निकलेगी 8 सितंबर को निकलेगी और एक अजीम शान जलसा करेगी। अपने बड़े भाई मोहतरम राजा साहब से दरख्वास्त है वो बात करें, लेकिन पहले आपके एक सवाल। जी ये बताइएगा 8 तारीख को आपका जलसा मकाम तो नहीं चेंज किएगा, उसी तरह ये बताइएगा एक जलसा पहले मुल्तवी हुआ, आपके वर्कर जो है वो निशान है इस मामले में। एक सवाल साथ और ये भी ले लीजिएगा कि रावलपिंडी से आपके सबक MPA आपके बड़े पुराने साथी रहे जो दरान का, उसके जो कातिल हैं उनके फर्द जुर्म उनको आयद कर दी गई है, जरा जिन तीनों सवालों का जवाब करोगे। पहले सवाल का जवाब ये, NOC हमारे पास है और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा होगा। जहाँ तक वेन्यू का ताल्लुक है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग उनकी रिक्वेस्ट पे जलसा इमरान खान ने मुअख्खर किया था। अगर इमरान खान साहब सिर्फ एक सियासी लीडर होते वो कभी जलसा मुअख्खर ना करते, वो चूँकि कौम का लीडर है, स्टेट्समैन है, इसलिए उन्होंने मुल्क की अमन की खातिर कुर्बानी दी है। इसलिए हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत निज़ाम रियासती इदारे अपना वादा पूरा करेंगे। बहरहाल आज की तारीख में NOC हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, जलसा इंशाल्लाह होगा, भरपूर होगा। जहाँ तक चौधरी अदनान साहब की आपने बात की है, वो बड़ा जुल्म हुआ था, इलेक्शन के बाद हमारे MPS साहब को शहीद किया गया था। हम डिमांड करते हैं रियासती इदारों से, अदलिया से और पुलिस और तमाम जो भी इन्वेस्टिगेशन के इदारे हैं कि चौधरी अदनान साहब एक गरीब नफ्स शख्स था, वो एक गरीबों का हमदर्द था, हमारा MPA था, भूल जाएं वो PTI से था, वो इस पिंडी का बेटा था, उसको ना हक शहीद किया गया है, उनके कातलों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। जिन लोगों में फर्द जुर्म आयद हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जिस चाहे जितना भी कोई ताकतवर हो उसको सजा मिलनी चाहिए। हम पुरमन लोग हैं, हम इंशाल्लाह अपना जलसा करेंगे, NOC हमारे पास मौजूद है और कोई वजह नहीं है कि NOC कैंसिल हो। अदलिया मौजूद है, आईन मौजूद है, क्यों हमारा NOC कैंसिल होगा? हम मस्बत तरफ क्यों नहीं देखते? हम हमेशा मनफी तरफ क्यों देखते हैं? मायूसी का शिकार क्यों होते हैं? इंशाल्लाह जलसा होगा, भरपूर होगा और पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसों में से ही जलसा होगा इंशाल्लाह। शुक्रिया।